डिंडौरी जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया माल के पोषक ग्राम कौआ झिरमाल में सन 2016 से नवीन हाई स्कूल संचालित है, जिसमें कुल 40 बच्चे अध्ययनरत हैं और यहां पर एक अतिथि शिक्षक सुंदर शहमराबी जो कि 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? हमारे स्कूल में एक अतिथि शिक्षक है। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई कुछ नहीं चल रही है, 9वीं 10वीं के एक ही टीचर पढ़ाते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हरेक स्कूलों में स्थायी शिक्षक और बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं अनिवार्य है, परंतु यहां पर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष अतिथि शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन फार्म भरा गया है और आदेश न मिलने के कारण अतिथि एक दिन स्कूल आते हैं, एक दिन नहीं आते, जिसके चलते बच्चे खेलते हैं और अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हैं। हम यही चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ नियमित टीचर, सब्जेक्ट टीचर होना चाहिए और जो विज्ञान प्रैक्टिकल का पूरा सामग्री होना चाहिए और विधिवत जो है शासन से जो सामग्रियाँ बच्चों के लिए उपलब्ध होता है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर्याप्त होना चाहिए। शिक्षकों की कमी को लेके वीडियो के माध्यम से और वो सरपंच सरोज परस्ते हैं, वो जो है कि वीडियो संवाददाता भी हैं, वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ये सब जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तारतम्य हमें यह जानकारी मिली कि वहाँ शिक्षकों की कमी है, एक अतिथि शिक्षक ही वहाँ पढ़ा रहा है। उस संबंध में शिक्षा समिति में भी प्रस्ताव डाला और लिखित एक अपने लेटर पैड में कलेक्टर साहब को भी मैं दिया कि वहाँ जो नई अभी स्कूल संचालित है हायर सेकेंडरी हाई स्कूल, ऐसे 4-5 स्कूल हैं अपने विकासखंड के अंतर्गत, शीघ्र वहाँ शिक्षकों की पदस्थापना की जाए, तो अभी लंबित है और शीघ्र इसमें कार्रवाई होने की संभावना है, तो निश्चित ही वहाँ कौआ झील में भी जो कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी। आपके यहाँ जो शिक्षक नहीं थे तो कैसी पढ़ाई चल रही थी? कुछ पढ़ाई नहीं चल रही थी। अब कितने शिक्षक आ गए हैं आपके हाई स्कूल में? 4 शिक्षक आ गए हैं, 3 अतिथि और 1 स्थायी शिक्षक है। तो पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अब ठीक चल रही है। सरोज परस्ते द्वारा जो है ये जानकारी ली गई लिया गया और इसके तहत जो है उसने पूर्ण भरसक प्रयास किया गया और उनके प्रयास के दौरान जो है अभी शिक्षक जो है पूर्ण एक रेगुलर टीचर और 3 अतिथि शिक्षक की भरपाई की है। उन्होंने बहुत से बहुत अच्छा प्रयास किया है और उनसे उनके कहने से अभी स्कूल का संचालन बढ़िया चल रहा है। तो देखा आपने किस तरह सामूहिक पहल के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम कौआ झिरमाल, विकासखंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।